कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में होगा 15 सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार। राज्य के किसान धान से बेहतर उपज और बेहतर मुनाफा के लिए अपनाएं श्री विधि। तिल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कांके सफेद। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 15 सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 637 करोड़ 11 लाख रुपए की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 78,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कोडरमा की तिलैया सिंचाई योजना, गढ़वा की डोमनी नाला सिंचाई योजना, लोहरदगा की देहरा बाटी सिंचाई योजना, देवघर की बुढ़ई जलाशय योजना और रांची की राढ़ू सिंचाई योजना सहित कई सिंचाई योजनाओं पर काम किया जाएगा। सफल खेती की बुनियादी शर्त है सिंचाई की उपलब्धता। पूरे भारत सहित झारखंड में भी भूगर्भ जल स्तर घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बूंद बूंद पानी बचाकर ही सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। बरसात आ चुका है, किसान वर्षा जल जमा करने की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, पानी बहुत ही अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है और बरसात का ही ऐसा मौसम है जिसमें कि हमारे प्रदेश के किसान भाई वर्षा के जल को संग्रहण करके भविष्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उससे उनको अधिक आमदनी मिलेगी और हर बूंद पानी का सही उपयोग हो पाएगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि धान की खेती में परंपरागत विधि की तुलना में श्री विधि ज्यादा फायदेमंद है। श्री विधि में बीज कम लगता है, खरपतवार, कीट और रोग लगने का खतरा कम रहता है, जबकि उपज 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होती है। किसान भाई जो परंपरागत ढंग से खेती करते हैं उसमें किसान भाइयों को धान की खेती में ज्यादा सीड रेट का प्रयोग करना पड़ता है और किसान भाइयों को चूंकि इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन लागत में परंपरागत ढंग से खेती करने में श्री विधि से ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए किसान और श्री विधि में किसान भाइयों को 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों को अगर देखा जाए कि कुल आमदनी में वृद्धि, तो ये 20 से 25% तक बहुत अच्छा अगर उत्पादन हो रहा है किसान भाइयों का, तो 20 से 25% तक उत्पादन में उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। अगर किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50% तक भी उत्पादन तथा आमदनी में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो सही ढंग से श्री विधि को अपनाएं। खरीफ मौसम में तिलहनी फसल तिल की खेती के लिए किसान 15 जुलाई तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि तिल के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। झारखंड में तिल लगाने के लिए आपको जून का अंतिम सप्ताह से लेकर 15 जुलाई उपयुक्त समय पाया गया है। प्रभेदों में आपको कांके सफेद, कृष्णा, 2067, 2014 और OMT 11-6-3, ये प्रभेदों का अगर किसान भाई चुनाव करेंगे तो उनको अधिक से अधिक लाभ होगा। ट्रैक्टर चालित इंक्लाइन प्लेन प्लांटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान कई फसलों की एक साथ बीज बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र से बड़े बीजों में मूंगफली, मक्का, काबुली चना तथा छोटे बीजों में सलजम और सरसों जैसी फसलों की बुआई की जा सकती है। और अब एक नजर राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव आज कृषि उत्पाद बाजार समिति सरायकेला के विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,860 रुपए से 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,270 रुपए से 2,600 रुपए, गेहूँ 1,670 रुपए से 2,000 रुपए, दाल अरहर 11,900 रुपए से 13,500 रुपए, दाल मसूर 9,670 रुपए से 9,800 रुपए, सरसों तेल 9,870 रुपए से 10,800 रुपए, चीनी 3,820 रुपए से 4,000 रुपए, आलू 1,720 रुपए से 1,900 रुपए और प्याज 1,470 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। अरे अरे, घबराइए नहीं, जानकारी और भी है। ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर हुए। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम के बाद फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, बरसात का मौसम, हरे हरे खेत खलिहान और उनमें लगे साग सब्जियाँ देख कर कितना सुकून मिलता है ना? तो चलिए आज आपको हम जानकारी दिलवाते हैं बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती हम कैसे करें, किन किन बातों पर ध्यान रखें ताकि हमारी उपज अधिक हो। ले लेते हैं जानकारी। वर्षा ऋतु में खेती बाड़ी का काम पूरे शबाब पर होता है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा असिंचित होने के कारण किसान भाई वर्षा जल का लाभ उठाकर धान की फसल के साथ साथ बरसात में उगाई जाने वाली फसल की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इस समय किसान भाई सोयाबीन, भिंडी, परवल सहित कई लत्तेदार सब्जियों की खेती एवं बीचड़ा तैयार करने का भी काम करते हैं। इस वक्त किसान भाई सोयाबीन की किस्म स्वर्ण संपदा की खेती कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर से बरसात का मौसम हमारे प्रदेश के लिए बहुत मुख्य स्थान रखता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो क्षेत्रफल है वो असिंचित है। मात्र 10 से 13% क्षेत्रफल ही सिंचित है। अभी तुरंत जो किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर वो सब्जी सोयाबीन की खेती करना चाहें, एकदम सही समय है। और सब्जी सोयाबीन की एक स्वर्ण वसुंधरा किस्म हम लोगों ने विकसित किया है यहाँ से। झारखंड में नया प्रयास है खास झारखंड में, और यहाँ इसका बीज दूसरे प्रदेश के किसान ले भी जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे असिंचित क्षेत्रफल है वर्षा के सहारे खेती होती है। क्योंकि अभी जो किसान भाई सब्जी सोयाबीन की बुआई का एकदम सही समय अगर 30 जून तक बुआई कर देते हैं, जैसे हमारे प्रदेश में बारिश भी हुई है, नमी एकदम अंकुरण के लिए पर्याप्त है। जो किसान भाई अभी सब्जी सोयाबीन की खेती कर देंगे उनके 45 से 60 दिन में फली मिलना शुरू हो जाती है, और करीब 90 दिन की ये फसल होती है। करीब करीब बरसात खत्म होते होते इसका पूरा हरा सब्जी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं और सुखा के सोयाबीन के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे किसान जो भिंडी की खेती कर अच्छी फसल प्राप्त करना चाहते हैं, वे उन किस्मों का चुनाव करें जो पीतशिरा अवरोधी किस्में हों। ऐसे किसान अरका अनामिका किस्म की भिंडी की खेती कर सकते हैं। बरसात में अंकुरण क्षमता अधिक होने के कारण कम बीज लगता है और बढ़वार अधिक होने के कारण बरसात में लगाए जाने वाली भिंडी में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
इससे फलन अच्छी होगी। भिंडी एक प्रमुख सब्जी की फसल है और बरसात के मौसम में सब्जी के भाव काफी चढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत कम क्षेत्रफल में इसकी खेती हो पाती है। एकदम सही समय है भिंडी की बुआई का भी। जो बरसाती भिंडी की हम बात करते हैं, अभी जो बारिश हुई है, एकदम अंकुरण के लिए नमी पर्याप्त है खेत में। और जो किसान भाई अभी जैसे हमारे यहाँ से अर्का अनामिका का बीज उपलब्ध है या दूसरी किस्मों का बीज भी, जिसमें कि जो पीत सिरा रोग इसमें आता है, एक वायरस जनित बीमारी है, पूरी पत्तियां पीली इसमें पड़ जाती हैं और कभी फल पे भी वो बीमारी आ जाती है, तो पीत सिरा रोगी अवरोधी भिंडी की किस्मों की खेती अगर किसान भाई करेंगे तो बरसात के मौसम में अच्छा आपसे मुनाफा कमा सकते हैं। और चूँकि बरसात के मौसम में बीज का अंकुरण अच्छा होता है, इसलिए बीज दर भी काफ़ी कम लगता है। 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। लाइन से लाइन की दूरी हम लोग बरसात में 45 सेंटीमीटर और बीज की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। ऐसे किसान जो झींगी, नेनुआ, कद्दू, करेला, खीरा जैसी कद्दू वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, अपने लतेदार पौधों को सहारा अवश्य दें। लतेदार सब्जियों को मचान का सहारा देने पर उन्हें खरपतवार, कीड़े मकौड़े एवं रोगों के संक्रमण से बहुत हद तक बचाने के साथ साथ मचान की नीची भूमि पर कई छोटी मोटी सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि अभी एकदम सही समय है। जो किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर चुके हों, से इनका बहुत बड़ा परिवार है। इसमें झिंगी, नेनुआ, लौकी, कद्दू, करेला, ये सब, खीरा, बहुत सारी सब्जियां इस समूह में आती हैं जिनको कि सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि किसान भाई ज़मीन पे फैला देते हैं, बारिशें नहीं होती हैं, खरपतवार भी कम निकलते हैं, तो उत्पादन मिल जाता है। बरसात में जो भी सब्जी लतर वाली सब्जियों की खेती करते हैं, उस सहारा अगर दे देंगे, मचान पे चाहे चढ़ा दें, जैसे हम लोग परवल में देख रहे हैं, परवल में ऐसे ही इस तरह से भी किसान भाई सहारा दे सकते हैं, तार लगा के उसको चढ़ा सकते हैं। उसका दूसरा पहलू ये है कि मचान पे तो फलत या तार के सहारे फल तो मिलता ही रहेगा, लेकिन जो खाली ज़मीन है उसमें किसान भाई कम समय में पैदा होने वाली सब्जी जैसे धनिया की पत्ती लगा देंगे, कोई साग लगा देंगे, तो उससे अतिरिक्त आमदनी उसी क्षेत्रफल से हो जाती है। जो कि अगर आप नीचे फैलाएंगे तो एक तो कीड़े मकोड़े बीमारियां अधिक आती हैं, खरपतवार अधिक निकलते हैं, फलत नहीं मिलेगी और हमारा उत्पादन भी लतर वाली सब्जियों का कम हो जाता है। हालांकि बारिश होने के कारण जुलाई अगस्त के महीने में फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्षा जल का भंडारण कर किसान भाई विषम परिस्थितियों में सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं। सरकार द्वारा डोभा निर्माण से प्राप्त जल और टपक सिंचाई का प्रबंधन कर किसान आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। चारों तरफ ये बात हो रही है कि वर्षा जल भंडारण की बात हो रही है, और हमारे प्रदेश के जो सरकार ने भी किसानों में डोभा काफ़ी बड़े पैमाने पे से लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। हमारे खानों से काफ़ी डोभे बन भी चुके हैं। उस डोभे का मुख्य प्रयोग यही है कि उसमें किसान भाई छोटे छोटे जलाशय बना के, जलकुंड बना करके वर्षा के जल को संग्रहित कर सकें, क्योंकि जब किसान भाई क्योंकि वर्षा का जल जब संग्रहित रहेगा तो उस जल का प्रयोग वो एक जीवन अनिश्चित हो गई है। तो जितना उसके जल को हम लोग विपरीत परिस्थितियों में और जब हमको ज़रूरत है तो बरसात खत्म होने के बाद भी उस डोभा के जल को किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, नमी बरसात के मौसम में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आने वाला है, इसमें प्रायः देखा गया है कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अगर काफ़ी लंबे अंतराल तक बारिश नहीं हुई तभी जाके पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वर्षा जल को संग्रहित करके रखें किसान भाई, और ज़रूरत पड़ने पे उसको हम तो टपकन सिंचाई विधि के द्वारा ही देने की सिफारिश करते हैं सब्जी फसलों में, क्योंकि पानी जितना ही धीरे धीरे जड़ को मिलेगा, सब्जी फसलों की जड़ें काफ़ी गहराई तक नहीं जाती हैं और अधिक पानी का ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बरसात में सब्जी की खेती करने के लिए किसान ऐसी भूमि का चुनाव करे जो ऊपरी जमीन हो या उसमें जल निकासी का उत्तम प्रबंध हो। सब्जियों को मेड़ या क्यारी बनाकर लगाएं। अधिक जल जमाव की स्थिति में फसल को नुकसान पहुंचता है।
जब भी हम बरसात के मौसम में खेती की बात करेंगे, हम कहें चाहे भिंडी की बुआई हो, अगर नालियों पे मेड़ों पे किसान भाई भिंडी के बीज की बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से अगर ज़्यादा बारिश भी हो गई तो पौधे के गलने की समस्या नहीं आएगी। जड़ को जब बहुत ज़्यादा पानी में मिल जाता है तो उस समय जो है भी उत्पादन का पौधा ही मर जाता है पूरा। तो जब भी सब्जी फसलों की खेती करें या तो ऊपरवार जमीन हो, ऊँची जमीन हो जिसमें जल भराव ना होता हो। बरसात में बहुत सारे किसान बीचड़ा उगाते हैं। ऐसे किसान जो बीचड़ा उत्पादन करना चाहते हैं वे प्रोट्रे में बीचड़ा का उत्पादन करें, इससे फसल अच्छी होगी। तो जो भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, बरसात के मौसम में चाहे टमाटर, बैंगन, फूलगोभी जिसका भी बीचड़ा तैयार कर रहे हों, प्लास्टिक की छोटी छोटी ट्रे में तैयार करें जिससे कि बीचड़ा अच्छा मिले और उसके एक डेढ़ महीने बाद फिर रोपाई खेत में कर सकेंगे तो टमाटर, बैंगन और दूसरी फसलों से भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। बाजार में अधिक मांग वाली सब्जी फसल का उत्पादन कर किसान अधिक मुनाफा तो कमाए ही वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था करें। तो कैसी लगी जानकारी? मुझे पता था आपको अच्छी लगेगी जानकारी। तो अरे आप पहले ही समझ गए, देख लीजिए एक संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। जी हाँ किसान भाई बहनों, साग सब्जियों की बातें तो हमने कर ली, अब कुछ फल फूलों की बातें भी हो जाए सेहत से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब मैं आपको जानकारी दिलवाने जा रही हूँ नए फल बाग लगाने के वैज्ञानिक तरीके के बारे में। जरा गौर से देखिए और जानकारी ले लीजिए। वन प्रदेश होने के कारण झारखंड में नैसर्गिक रूप से आम, कटहल, गेंद, बौर और अमरूद के पेड़ पाए जाते हैं। कम लागत और अधिक मुनाफा होने के कारण राज्य में खेतीहर अब व्यावसायिक तौर पर फलों की खेती कर रहे हैं। यहाँ की जलवायु आम, लीची, कटहल और अमरूद जैसे फलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन कई हिस्सों में सतालू, शरीफा, नाशपति, नींबू, अनार, अनानास और काजू की भी खेती किसान यहाँ सफलतापूर्वक कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन कौन से फल वृक्ष का चुनाव करें झारखंड के परिवेक्ष में। झारखंड की जलवायु को जैसे हमने देखा है कि ये जो फल वृक्ष यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह हो पाते हैं, उनमें खासतौर पर आम यहाँ की एक प्रमुख फल वृक्ष की फसल है। उसके अलावा लीची भी यहाँ लोग काफ़ी सक्सेसफुल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो लीची के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। और इसके अलावा अब हम अमरूद यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो यहाँ की ट्रेडिशनल फसल है जो सभी लोग पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर वो कुछ और अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ हिस्सों में सतालू की खेती, नाशपति की खेती, इसके अलावा हम पियर भी यहाँ पे ट्राई किए हैं, वो भी यहाँ पे अच्छा हो रहा है। और इसके अलावा पाइनएप्पल हम यहाँ पे लगाए हैं, पाइनएप्पल भी आप कर सकते हैं। और एक कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, उसकी भी खेती यहाँ पे अच्छी की जा सकती है। किसी भी फलबाग से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगाए जाने वाले पौधों की किस्मों का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान भाई आम, लीची, कटहल जैसे बड़े पेड़ वाले फलबाग लगाना चाहते हैं तो बारिश होने से पहले ही मिट्टी की तैयारी कर लेनी चाहिए। इन फलों के पौधे लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और दीमक रोधी दवा मिलाकर तकरीबन सप्ताह भर छोड़ दें। वर्गाकार खेती के लिए दो फल के पौधों के बीच 10x10 मीटर का अंतर रखें, जबकि छोटे फल वृक्षों के लिए यह दूरी 5 मीटर हो सकती है। मान लीजिए आम का बाग लगाना है तो पहले एक अच्छी नर्सरी का पता करें, अच्छे संस्थान से आप पौधे खरीदें। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको पौधा नहीं मिला तो वो पौधा से आपको 10 साल के बाद आप जब आप उसमें अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको तो आपको लगेगा कि मैंने गलत पौधे का चुनाव कर लिया, गलत किस्म का चुनाव कर लिया। तो आपको एक टाइम से एक अच्छे किसी से आप सहायता लेके या किसी से पूछ के उस
किस्म का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में अच्छी होती हो या अच्छे फलन देती हो। आम के केस में आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसे अम्रपाली हम किसानों को रिकमेंड करते हैं कि वो अम्रपाली किस्म लगाएं आम में, क्योंकि ये हर साल फसल हर साल फल देती है और ये एक बोनी किस्म है। तो किस्म का चुनाव पहले कर लिया जाए, उसके बाद आप भूमि की तैयारी, गर्मी में या बारिश होने से थोड़े दिन पहले आप भूमि की तैयारी कर लीजिए। पौधा लगाने की जो विधि है उसमें हम जो वर्गाकार विधि के बारे में बात करते हैं कि पौधे से आम के दो पौधे के बीच की दूरी 10 मीटर और दो पंक्तियों की दूरी भी हम 10 मीटर के बारे में बात करते हैं, उसको वर्गाकार विधि में लगाते हैं। तो दूरी की बात करें तो आम के लिए जैसे पहले से चला रहा है कि आप 10 मीटर की दूरी पर लगाएं, लेकिन अम्रपाली किस्म का आप चुनाव करेंगे तो उसको 5 मीटर की दूरी पर भी लगा सकते हैं। छोटी किस्म के पौधे लगाने पर जमीन का अधिकतम उपयोग हो पाता है। झारखंड में आम के फल बाग लगाने की इच्छा रखने वाले किसान आम्रपाली किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर फल वृक्ष बड़े होकर आपस में सटने लगे तो बढ़ी हुई शाखाओं की छटाई एवं सूरज की रोशनी प्राप्त करने वाले केंद्र की छटाई से बेहतर फल उत्पादन होता है। इनिशियली जब हम शुरुआत में देखेंगे तो 8 से 10 साल तक उस पौधे की आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपने आप में एक बोनी किस्म है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमारी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, इस कारण से पौधे की ज़्यादा घना हो रहा है, तो जब आप फल तोड़ते हैं उस समय उसको आपको प्रूनिंग करना होगा। जो ब्रांचें आपस में मिल रही है, जो शाखाएं मिल रही हैं, तो आप जो फल तोड़ते हैं उसके डंठल के साथ में थोड़ा आप शाखा का भी तोड़ के उसका प्रूनिंग कर सकते हैं। तो एक लाइट प्रूनिंग जिसको बोलते हैं और एक सेंटर ओपनिंग, सेंटर जो ऊपर वाला भाग है जहाँ से सूरज की रोशनी पौधे के ऊपर गिरती है, उस सेंटर वाले भाग को आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो वहाँ से सूरज की रोशनी पौधे में पहुँच पाएगी और सूरज की रोशनी अच्छे से पहुँचेगी तो आप उसको उससे उतना ही अच्छा फल आपको मिलेगा। तो ये छोटी सी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप सघन बागवानी की तरफ भी आप जा सकते हैं। फल वृक्षों से फल प्राप्त करने की अवधि उसके किस्मों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। फल वृक्ष से फल तभी लें जब उनकी सही बढ़वार हो और फल पुष्ट हो। जब तक कि उसका ढांचा फ्रेमवर्क अच्छी तरह डेवलप नहीं हो जाए तब तक आपको उसमें फल नहीं लेना है। तो मैं आम के केस में बताऊंगा कि कम से कम 3 से 4 साल आप रुक जाएंगे, 3 साल तो आप कम से कम रुकिए, उसके बाद जो फल आता है उसको लीजिए। अगर आप पहले से ही फल लेना शुरू कर देंगे तो पौधे का जो आकार है, जो ढांचा है, वो अच्छी तरह बन नहीं पाएगा और आपको वो पौधा गिर जाएगा या हवा में टूट भी सकता है। तो पौधे को अच्छी तरह बढ़वार होने दें, उसके बाद ही आप फल लेना शुरू करें। फल वृक्षों से फल उत्पादन में कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसे में किसान भाई लगाए गए फल पौधों के बीच पपीता, केला जैसे कम अवधि वाले पौधे या सब्जी की खेती कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसे बहुस्तरीय कृषि प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो आप आम जैसे लगा रहे हैं तो आम के बीच में जो जमीन बची हुई है उसमें जो जल्दी फल देने वाले फल वृक्ष हैं, जैसे आप पपीता लगा सकते हैं, आप केला लगा सकते हैं, जो आपको 1 साल में आपको फल देना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो जमीन नीचे बची है उसमें आप किसी भी सब्जी की, धान की, जो आप उसमें आपकी आवश्यकता के अनुसार जो खेती कर सकते हैं वो खेती भी आप उसके नीचे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भूमि का अधिक उपयोग कर पाएंगे और आप अधिक आमदनी ले पाएंगे। जो किसान लीची का फलबाग लगाना चाहते हैं वे शाही किस्म का चुनाव कर सकते हैं, यह झारखंड की जलवायु के लिए अनुकूल है। मैं बहुत अच्छी किस्म शाही भी, जो बहुत अच्छा उसका आकार होता है और उसका जो स्वाद होता है खाने में वो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने आप में शाही जो शब्द है वही एक इसको बता रहा है कि ये बहुत अच्छी किस्म है। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे अनुसंधान किया है उसमें शाही को हमने सबसे अच्छा पाया है। तो हम किसानों को शाही जो वैरायटी है उसी को लगाने के लिए बोलते हैं और उसी का हम पौधा भी यहाँ पे तैयार करते हैं और किसानों को देते हैं। ऐसे किसान जिनके पास अतिरिक्त जमीन है वे फल बाग लगाकर दीर्घकालिक अतिरिक्त आय की व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण रक्षा के लिए भी अपना योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो अच्छी लगी ना? जी हाँ जी हाँ। अब वक्त हो चला है, कागज और कलम उठा लीजिए और हमारा पता फटाफट नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।